विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों के लिए बिजली दरों पर 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करने के आदेश ने अब माहौल को गर्माना शुरू कर दिया है। मेरठ सहित पूरे देश में बुनकरों में रोष पनपता जा रहा है। मेरठ के रहने वाले बुनकर एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी रहीसुद्दीन अंसारी ने बुनकर संचार सेवा केंद्र के संस्थापक आसिम जिया से खास बातचीत की। मैंने भी आज पेपर पढ़ा, व्हाट्सएप बहुत सारे लोगों ने मुझे किए। दर्द होता तो आदमी एक दूसरे को याद करता और ये रोजी रोटी का मामला है, इससे हम जुड़े हुए हैं। और हमारा जो समाज है कारोबारी लाइन में बहुत टाइम से लगा हुआ है और ये सोचकर इसमें लगा हुआ कि हमें सरकार उठाना चाहती है हम पे से। उन्होंने पीछे बहुत बड़ी मदद की है, बुकें बनाई हैं बिजली विभाग ने हमारे लिए, सरकार ने बहुत हमारे लिए काम किया है, छूट दी है, तो हम उसके उसमें ऊपर आए हैं थोड़ा सा। मान लिया हमारे पास 2 मशीनें थी, अल्लाह ने हमारी 4 करा दी, 4 वाले की 8 करा दी। ये सब सरकार का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा और मुझे लोगों ने सुझाव दिया और बताया तो मुझे बड़ा दुख हुआ सुबह पेपर पढ़ के और व्हाट्सअप देख करके कि सरकार ये हमारे लिए क्या करने जा रही है, हम तो मर जाएंगे सड़कों पर आ जाएंगे। हम उसमें ये चाहते हैं भाई, मान लिया 13 साल इस काम को हो गए हैं, थोड़ा सा हमारे लिए भाई 130 रुपये था हम पे हॉर्स पावर, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए इसको, 200 कर लिया जाए, बैठ के बात की जाए, जैसा भी समझा होता था हम इस पर एग्री हो जाएंगे। लेकिन हम बैंक से नहीं ले पाएंगे क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, हमारी कौम बहुत पीछे है। कभी हम समझते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, 5-7% लोग हैं इस तरह के लोग। और जो लोग इसको ये बता दें कि इन लोगों ने इतनी तरक्की की है, तरक्की नहीं की है, आप इनके घरों में जाकर देखो खाने को भी नहीं है। 100 में से अगर 2 आदमी ठीक ठाक हो गए ये मत समझो आप, मेजोरिटी जब होती है 100 में से 98 लोग ऊपर उठ के आते तब दिखाई देते सरकार ने मदद की। हम ये चाहते हैं बैठ के इस पर प्लेटफार्म पर बैठ के बातचीत की जाए और इसका समस्या का समाधान दिया जाए और पूरी तरीके से इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जब इसको लागू किया था तो 150 करोड़ की बुनकरों को सब्सिडी दी थी। हम ये चाहते हैं आज इसको 13 साल हो गए, सरकार इसको 4 गुना सब्सिडी में रखे, 150 की जगह 600 करोड़ दे तो हमारा काम हो जाएगा, 3 गुना कर दे तब भी हो जाएगा, हम चोर कहलाएंगे नहीं तो हम इसमें बहुत तरीके से पिस जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, हम लोग भिखारी बन जाएंगे। हमारी हालत आप देख रहे हो क्या है, कारोबार जब से GST लगी बिल्कुल पीछे होता जा रहा है, हर जगह कहीं से 1500 कहीं से 1.5 लाख आदमी मशीनें छोड़ के कारोबार सूरत में बनारस में सब जगह चले गए, तो ये कपड़े कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खून का असर हो रहा है, आप रोजाना व्हाट्सअप देखिएगा सभी जगह दुकानदार बैठा हुआ रो रहा है, ग्राहक नहीं है, कहाँ से आएगा। सरकार ने इस पर GST जब से लगाई कारोबार बिल्कुल नहीं हो रहा है, हर आदमी रो रहा है, तो ये बोझ नहीं उठा पा रहे हम, बिजली का कहाँ से उठा पाएंगे। मेरी आप लोगों से मुतमाना जो गुजारिश है, सरकार से भी गुजारिश कर रहा हूँ बहुत कि भाई हम पे रहम करो और इस बात को आप देखो बारीकी से। हम तो पहले डरे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से हम लोग डरे हुए हैं कि भाई कारोबार नहीं है, कहाँ से चलाएं, बच्चों का पेट कहाँ से भरें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बारे में सोचिए प्लीज़। पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग यही हैं कमज़ोर लोग जो पावर लूम से कनेक्टेड हैं उनका समाज। आप लोगों से गुजारिश है इस पर देख पर ध्यान करें और हम आपके साथ हैं हर वक्त, जैसे भी सरकार चाहेगी हम बैठेंगे आपके पास। जैसे कि आज की इस समय उत्तर प्रदेश में ये सब्सिडी दी जाती है और खासतौर से मेरठ के दैनिक जागरण में ये खबर छपी है, ना कि अन्य उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसी कोई सूचना नहीं है। क्या मेरठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश ही ये सब्सिडी का लाभार्थी है क्या पूरा उत्तर प्रदेश? ये तो पूरे उत्तर प्रदेश को सरकार ने उठाने की योजना बनाई थी, सपा सरकार आई थी, उन्होंने बुनकरों की बात सुनी और वहाँ बैठ के टैरिफ बनाई, सारे उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ मौजूद थे, 70-75 जगह के लोग वहाँ आए हुए थे, मेरठ के भी लोग थे, सबों ने योगदान दिया है, सबों ने बलिदान कराया है, वहाँ पर जाकर संघर्ष किया है। नेताजी ने बात मानी थी कि भाई बुनकर वाकई पिछड़ा वर्ग है और हिंदुस्तान में जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, सबसे पहली जरूरत और सबसे आखिरी जरूरत कपड़ा होती है। इसीलिए आज को देखते हुए, इसी काम को देखते हुए सरकार ने कहा नहीं, ये वाकई बहुत पिछड़ा लोग हैं, इनकी मदद की जाए। मदद के दौर में इन लोगों ने सब्सिडी हमें दी, आज अल्लाह का शुक्र है थोड़े बहुत हम खुश हुए हैं, लेकिन वो खुशी अगर ये सरकार छीनना चाहती है तो हम तो घर आ जाए बिल्कुल सड़कों पर आ जाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हथकरघा विभाग ने अपनी रूपरेखा तैयार की है फ्लैट रेट को DBD में कन्वर्ट करने के लिए, इस रूपरेखा में क्या उनका संस्थाओं का सहयोग दिया गया? बिल्कुल, हमारे से ना कोई उन्होंने संपर्क करा ना बातचीत करी, अपनी मनमानी करते हैं और यही अड़ंगा लगा रहे हैं सरकार तक, सभी यही अड़ंगा लगा रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा काम जो है हमारे पास आए, रिश्वतखोरी बढ़े। हम तो सीधी सीधी हैं, हमने आपसे कहा किताबों से दे रहे हैं, इंशाल्लाह किताबों से ही देंगे। हम सरकार से अपील करते हैं कुछ वो आगे बढ़ें, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, जो भी होगा हम इसको करने को तैयार है, एक्सेप्ट करने को तैयार है।
130 की जगह हम फिर कह रहे हैं, दोबारा मैं कह रहा हूं आपसे, सारे बुनकर खुश हो जाएंगे, 130 की जगह आप 200 कर दीजिएगा, सब्सिडी 150 की जगह आप 450 करोड़ कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसमें मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल गुजारिश करता हूँ, जो भी इसमें मामले होता है चोरी में, उसे पकड़ा जाए, क्योंकि एक तरीके से हमें उभारने के लिए काम किया जा रहा है। इसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, उसका सब दिक्कत हमें आ रही है। और जैसे कि सरकार ने देखने को मिले कि होटलों में बिजली सब्सिडी की दी गई और रेस्टोरेंटों में भी दी गई, जो बुनकरों को लाभ पहुंचना था बिजली विभाग ने, वो अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाने का काम किया, उसके विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। इन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है और ये सारा बोझ बुनकरों के ऊपर डाल दिया, चोर बुनकरों को साबित करने के लिए कि बुनकर चोर हैं। आप कहीं भी आप जाइए, सर्वे करिए, बुनकरों की हालत देखिए, क्या हाल है, छप्परों में, झोपड़ियों में, कहीं लेंटर चूरा है, बिल्कुल बुरी तरीके से कारोबार कर रहा बुनकर, तो देखो खाने को भी नहीं है। और जब से GSCI में, फिर आप दोबारा बार बार एक दोहराता हूँ, जब से इस पर GST कपड़े पर लगी है, पूरे हिंदुस्तान का कारोबार बुनकर रो रहा है, बिल्कुल सड़कों पर आ गया है। अगर आज सरकार चाहती है कि लोग सब मर जाएं, तो हम आपके सामने तैयार हैं। जैसे कि GST लगी है, उसका व्यापार करने में कहां-कहां कठिनाई आ रही है? भाई सभी लोग देखिएगा आप, सारी कठिनाई तो ये बात है कि 12% धागे पे लगा दिया आपने, 5% कपड़े पे है, तो हम कहां से दे पाएंगे? ये तो महंगा यहीं से शुरू हो गया। हम लोग जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, हर आदमी चाहता GST से। आगे इन लोगों ने ये काम किया कि हम तो जी बिना GST के देंगे, आप बिल दो हमें, 2.5% के पैसे देंगे, चोरी का काम कर रहे हैं सब लोग। हम तो बिल्कुल जाहिल लोग हैं, हम तो जानते नहीं। जो 5-12% धागे पे देने के बावजूद जो बुनकर 12% धागे पे रॉ मटेरियल पे दे रहा है टैक्स, और 5% ले रहा है कपड़े, तो उसका जो 7% बचता है, क्या वो रिफंड होता है? तो बिल्कुल सरकार को ये रिफंड नहीं कर पा रही हमने। हम हर तरीके से पीसे हुए हैं, खंदक मार्केट हमारी मेरठ से ताल्लुक रखता हूँ मैं, सभी लोगों को आप देखिए किस कदर लोग परेशान हैं। हर आदमी इसलिए परेशान हो गया कि इस पे कपड़े पर GST लगा दी, 12% धागे पे दी। हम ये चाहते धागे पे 12 की जगह 24 हो, लेकिन कपड़े पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनपढ़ आदमी है, हिंदुस्तान को चलाने के लिए आप देखिएगा हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे पढ़ जाएंगे कुछ समझ जाएंगे, लेकिन अब तो हमें जिंदा रहने के इस काम को करना पड़ रहा है, और कारोबार नहीं है, कहाँ तक चलेंगे? क्या ये भी माना जाए कि पिछले 7 दशकों में, मतलब 70 सालों में कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगा, उसकी वजह से बुनकर टैक्स से वंचित रहा, और यही वजह है कि अचानक GST लगने से बुनकर का कारोबार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, जिससे एजुकेशन पढ़ाई लिखाई की कमी होने के लिए। आसिम भाई आपकी बहुत अच्छी बात है, गांधी जी ने इस बात में कहा कि कपड़े पर कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि अपने हिंदुस्तान को उभारने के लिए कपड़े को इस टैक्स से दूर रखना होगा। छोटे छोटे घरों में इस काम को किया गया है, और आज भी ये छोटे छोटे घरों में ही होता है, वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहे कि किसी ने, बड़े बड़े कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे कि 2 मशीन 4 मशीन 6 मशीन लगाई हुई, सब 10 मशीन जाते 20 मशीन लगी हुई जाए जाते, चंद लोग होंगे जिसके 20-30-40 मशीन लगी हुई है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, इस सरकार ने हमको बचाने के लिए सब्सिडी दी, जब से दिए ये काम बचा हुआ है, और अब जब से ये देख रहे हैं बैंक खातों में आएगी, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, बिल्कुल ये कारोबार बंद कर देंगे, ना कोई बिजली का बिल जमा हो पाएगा हमसे, कहाँ से जमा कर पाएंगे भाई, आमदनी हमें जब है नहीं, 2-3% तक की आमदनी नहीं रही, हमारे बच्चे खुद बुनते हैं, हम खुद बुनते हैं, झाड़ू देते हैं, सारे काम खुद करते हैं, मशीनें चलाते हैं, आज कंडीशन हो गई, मशीनें लोहे के भाव में टूटने लगी हैं, लाखों मशीन मेरठ से लोहे के भाव में टूट चुकी है, सूरत में सारे में टूट चुकी है, आप देखिएगा पेपर देखिएगा वीडियो देखिएगा सब जगह जाके देखिएगा कितने लोग, 1.5-2 लाख आदमी सूरत से ख़त्म हो चुका, मेरठ से 40-50 हज़ार में ख़त्म हो चुका, कारोबार नहीं रहा। कि केंद्र सरकार बराबर ये प्रयास कर रही है, मोदी जी कहते हैं कि आपने उस चीज़ों में भी कि हम बुनकरों के लिए कल्याण बहुत सारी ऐसी योजना देखा है जिससे बुनकरों का उत्थान और कल्याण हो, जैसे कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना, बुनकर बीमा योजना, और बुनकरों के लिए मुद्रा योजना भी पेशर रखी है, और यहाँ तक कि बुनकर कौशल विकास योजना में भी बुनकरों की एजुकेशन पर पैंट लिमिट हटा दी गई है, इसके लिए मोदी जी बराबर प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी 7 अगस्त आने वाले टाइम में बुनकर दिवस हथकरघा दिवस के रूप में एक बड़े जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी मनाती है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा हथकरघा दिवस के रूप में, ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में 2015 से मनाया जा रहा है, क्या बुनकरों को इसके बारे में अधिक जानकारी है? भाई मैंने आपको बताया है कि बुनकर इतना सीधा है, उसे बेचारे को घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता, वो इतना कमज़ोर आदमी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो अपने बच्चों को देखे, इस कारोबार को देखे, इस कारोबार सुबह शाम तक कितने काम होते हैं इसमें, वो घर से नहीं निकल पाता,
उसे तो ये पता नहीं दिन कहाँ को निकलता, रात कहाँ को, बच्चों में, परिवार में, कारोबार में, छोटा सा कारोबार है, सब काम खुद करने पड़ते हैं। मैं जैसे सुनकरों के लिए क्रेडिट योजना, बीमा योजना और मुद्रा जैसी मुद्रा योजना जो भारत की एक सबसे अहम योजना दी गई है छोटे कारोबारियों को बढ़ाने के लिए, उसके लिए कभी बुनकरों को कितने लोगों को ऐसा है जो मुद्रा योजना का लाभ उठा रहे हैं? मोदी जी की बहुत बढ़िया पहल है, सोच बहुत अच्छी है और बुनकरों के लिए काम किया बहुत अच्छा है, लेकिन हम तक इसकी योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, ना कोई हमसे संपर्क करता है कि भाई ये योजना है, इसका बेनिफिट आप लें। अगर पहुंचने के प्रयास भी करते हैं वो सब लोग अपने बीच में अपना अड़ंगा लगा लेते हैं कि हमें ये करा दीजिए, हमें ये करा दीजिए। अभी तक मेरठ के अंदर, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ, कोई भी योजना यहाँ नहीं लागू हुई है, ना लोग आए हैं यहाँ पर कि इसको लागू कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ना हो हमसे मिल पाते ना संपर्क। हमारी तो अपनी योजना ये है कि ऊपर वाला इसको ठीक ठाक रखे, सरकार हम पर रहम करम से देखती रहे, ये कारोबार चलता रहेगा, अगर सरकार चाहेगी तो हमें ख़त्म कर देगी, चाहेगी तो इसको बना देगी। अच्छा, अपने समाज को, अपने लोगों को क्या कहना चाहोगे कि बुनकरों को किस तरीके से चलना, कि संगठित कैसे होना, इसके बारे में? मैं बुनकरों से अपील करता हूँ, जिसकी भी कनेक्शन में कोई खामियाँ हैं उसे पूरा करा ले, लोड बढ़वाना चाहे बढ़वा ले, नाम कराना चाहे करा ले, लेकिन हमें चोरी नहीं करनी, हमें सीधा सीधे अपने काम को ठीक ठाक रखना है। जब हमारा काम ठीक होगा तो हम सीना तान के चलेंगे, सरकार से रूबरू बात कर सकते हैं। हमने सरकार से भी अपील की कि कोई भी चोरी करेगा आप उसे पकड़ो, हम उसके साथ नहीं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, हमें हलाल रोजी चाहिए, सरकार हमारी तरफ देख रही है, हम सरकार की तरफ को देख रहे हैं कि ये हमारे पर रहम करम करती रहे तो ये कारोबार चलता रहेगा। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि इसको ऐसा ना करें, आप सीधे सीधे जैसे किताबों से चल रहा है, हर बुनकर को ये फ़ायदा पहुंचाते रहें, बुनकर आपका आभारी रहेगा और आपका हमदर्द रहेगा, ये आप लोगों की मेहरबानी रहेगी, कुछ तरक्की कर सकता है। तो मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, इस पर रहम करम करिए, इसको ऐसे दें। आसिम जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये हमारी बात आगे तक आप पहुँचाएँ, सभी लोगों में पहुँचाएँ, तो ये आपकी सब पर मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।